दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं रजत गर्ग आज आपको बताना चाहूंगा मेरी जीसीसी के मतलब आईक्यू जो लीड हुआ है उसमें मेरी 13 रैंक आई है। तो आज मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। पहले तो सबसे तैयारी शुरू करनी पड़ेगी जो आप सिंगल डिजिट रैंक ला सके। मेरे भी कुछ कभी रहेंगे जो मैं 13 रैंक तक रह गया, अगर मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करता तो शायद मेरी भी सिंगल डिजिट रैंक आ जाती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईक्यू के सिलेबस के बारे में। आईक्यू में मैथ्स, मैकेनिक्स, रीजनिंग और फोर्थ पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर भी सब आती है। इन सब का अपना 25% वेटेज होता है, जिसमें से मैथ्स 25% होती है। इसका लेवल डिप्लोमा के बच्चों के लिए थोड़ा हाई होता है। मैकेनिक्स 25% होती है, ये बहुत ही इजी थी, मतलब थ्योरेटिकल बेस थी जो हमने पढ़ी थी अभी तक उसी में से थी, और दो चार न्यूमेरिकल थे मैकेनिक्स में। रीजनिंग बहुत इजी थी, और इसमें साथ में हमारे कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी इंक्लूड रहे थे इस बार जो कि फर्स्ट पार्ट हुआ था। और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बिल्कुल यूनिट बेस्ड बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री थी, लेवल 12 वाली कह सकते हैं हम। और कंप्यूटर भी बिल्कुल बेसिक थे, जैसे कि हमारे एक तो डाटा से रिलेटेड थे और फर्स्ट कंप्यूटर से रिलेटेड थे। तो अब टोटल हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 क्वेश्चन आते हैं, जिनके हमारे टोटल 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल हमारे 600 मार्क्स बनते हैं। इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग जो होती है 0.1 मार्क्स। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 150 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरी रैंक आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई मैक्सिमम 2 या 3 सब्जेक्ट में परफेक्ट हो सकता है। तो हम अपने हिसाब से तैयारी करना शुरू करते हैं। तो मैथ्स जैसे मेरे को मुश्किल लगती थी तो मैंने इसमें कोई 2-3 टॉपिक स्पेशल कर लिए थे, जैसे प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, इन्हें मैंने अच्छे से कर लिया था। और मैथ्स की यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी, मैंने जीसीसी से तैयारी करी है। तो यहाँ पे सैनी सर थे, उन्होंने 100% दिया, उनकी वजह से मैथ में मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाया। मैकेनिक्स से 38 क्वेश्चन थे, 38 क्वेश्चन में से मेरे को 20 क्वेश्चन यहाँ के असाइनमेंट सीरीज और टेस्ट बेस से मिले थे। बाकी जो आप मैकेनिक्स अगर ऐसा सोचते हैं कि आप चैप्टर पढ़ के चले जाएंगे तो उससे नहीं होती, उसके लिए आपको एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और एमसीक्यू के लिए आपको यहाँ पे अच्छे टेस्ट सीरीज दी जाती है, असाइनमेंट दिए जाते हैं हर चैप्टर के बाद। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग हमें निखिल सर पढ़ाते थे जो कि खुद सीजीएल क्वालिफाइड है और कई बार उन्होंने सीजीएल क्लियर कर रखा है। और रीजनिंग में उन्होंने अच्छे से हमें ब्लॉक डायरीज अल्फाबेट्स वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर करे थे कॉन्सेप्ट बेसिक से। रीजनिंग बहुत ही मतलब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग तब तो हर कोई लेता है, लेकिन ये हमारे में मेन होता है टाइम बचाने वाला। ये 37 क्वेश्चन है, 37 में से मैंने 25 मिनट्स में कर लिए थे। अगर आप 20 मिनट्स में रीजनिंग कर लेते हैं तो आप मैथ को अच्छे से टाइम दे सकते हैं और मैथ को सोल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में फॉर्मूले तो होते हैं लेकिन उन्हें बिना प्रैक्टिस के आप सोल्व भी कर सकते हैं खाली फॉर्मूला से। बात आती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बिल्कुल लो से रिलेटेड थे, न्यूटन के लॉ और यूनिट्स को ट्राई करना इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, और एक आदमी न्यूमेरिकल था इसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमारे पीरियोडिक टेबल से और किसने एटम का इन्वेंशन किसने करा और किसका यूनिट मास कितना होता है और हमारी रैंकिंग किस किस की क्या क्या होती है उसके हिसाब से केमिस्ट्री में आते हैं। कंप्यूटर में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप आईक्यू में सिंगल डिजिट रैंक लाना चाहते हैं या अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं लास्ट के एक महीने में पढ़ाई कर लूंगा तो मेरी रैंक आ जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। उस टाइम हमारे 6 के भी एग्जाम सर होते हैं तो आप किसी एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं, तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ती है, पर घर में हम रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते। इस चीज में जीसीसी ने बहुत हेल्प करी, ये हमें टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है कि यहाँ पे तो हमें एटमोसफेयर मिलता है पढ़ने का कि हमें कैसे बच्चों से कॉम्पिटिशन है, हमारे साथ के कौन है, हमें किस किस तरह से किस किस चीज में तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात हमारी एक रेगुलरिटी आ जाती है, जब हमें रोज आना पड़ता है, मतलब हर वीकेंड से क्लास होती है तो उसकी क्लास के लिए आना पड़ता है, उसके असाइनमेंट सॉल्व करना होता है, टेस्ट के लिए पढ़ना होता है, तो हमें कुछ ज्यादा बैटर नहीं लगता, हमारे रोजाना थोड़ी थोड़ी पढ़ाई से भी और हम अपनी लास्ट ईयर की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पाते हैं और इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। थैंक यू सो मच।